जय श्री माता जी। हिमालय के संरक्षण में बसा नेपाल और उसमें वीरगंज, सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं श्री अजय चौरसिया जी, आप कोऑर्डिनेटर भी हैं यहाँ के। आपका स्वागत है जय श्री माता जी। आपको सौभाग्य मिला कि आप सेवा करें वीर नेपाल में, सहज योग के प्रचार प्रसार और हर दैविक कार्य में थी सहज योग में। आप सहज योग आपका कौन से वर्ष में शुरू हुआ? जय श्री माता जी। सबसे पहले मैं श्री माता जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमें उन्होंने इस कार्य के लिए चुना और हमारे कुंडलिनी जागृति की। मैं 1999 में सहज योग में आया और आने से पहले मैं इस जगत में परमात्मा है कहके मुझे विश्वास नहीं। तो हमारे पिताजी ने एक दिन बोले कि अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम दैविक संरक्षण में आ जाओगे। उस दिन मुझे लगा कि इस आवाज़ में कुछ है, दैविक संरक्षण में कुछ शक्ति है। तो 1999 22 सितंबर दिन मंगलवार समय सुबह 7 बजे के करीब में उन्होंने बोले कि तुम श्री माता जी के पास बैठो और आंखें बंद करो। तो जैसे मैं आंखें बंद किए, थोड़ी देर के बाद में पीछे मेरे रीढ़ के हड्डी से लगा कुछ ऊपर आ रहा है, आते आते सर पे आ गया और यहाँ पे लगा कि कुछ चल रहा है। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो गया मुझे, तो बोले कि नहीं तुम आगे देखो। तो हुआ क्या कि यहाँ से कुछ ठंडा ठंडा निकलने लग गया। तो फिर मैंने जब ध्यान करते गया तो सहस्रार के अनुभव होने लगा यहाँ से ठंडा ठंडा। और उससे पहले कुछ दिन बाद, एक हफ्ते के बाद में थोड़ा बंद हो गया, इसमें बहुत प्रेशर होने लगा। फिर एक हफ्ते के बाद में इतना जोर से खुला कि सर पूरा हल्का हो गया। तो हम अपने दोस्त को भी बताते थे कि हमारे अंदर कोई शक्ति है जो ध्यान करने से आती है, परम पूज्य श्री निर्मला देवी के कृपा से। लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हमारे दोस्त है राम नरेश जी, इनको भी बताएं तो उस समय भी विश्वास नहीं किए, कुछ दिन के बाद में आए। तो ऐसे सहज जीवन चलते रहा और मेरा इच्छा था कि मेरा शादी सहज में हो, लेकिन समाज के कारण कुछ समाज के बंधन था और समाज इसको स्वीकार नहीं, जो हमारे और भी लोग मेरे चाचा जी लोग इसको स्वीकार बोलते थे कि हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी श्री माता जी अपने सपने में आई और बोली कि मैं तुम्हारा शादी सहज योग में करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और मेरा शादी 2004 में पुणे में हुआ सहज योग में। और उस दिन का बात बता रहा हूँ कि जब मेरा अनाउंस हुआ तो मेरे कुंडलिनी ऐसे चढ़ी कि लग रहा है कि उसमें डांस कर रही है, कूद रही है क्या जी। और उस दिन भी घटना हुआ था शादी के दिन, जब मेरा शादी हुआ वहाँ पे 26 दिसंबर को, तो जब शादी करके हम लोग निकले बाहर तो पाया कि जो पहले गणपतिपुरे में सेमिनार होता था तो वहाँ भी सुनामी आया हुआ था। और ऐसे चलने लगा, जो समाज उस समय हम लोग को बोलता था कि ये लोग कहने का मतलब दूसरे धर्म अपना लिए, ऐसे कर लिए, वो समाज हम लोग अभी स्वीकार कर रहा है और वो लोग भी धीरे धीरे सहज योग में आ रहे हैं। तो श्री माता जी निर्मला देवी का एक करिश्मा है कि जो समाज जिसको स्वीकार नहीं किया था वो सब समाज धीरे धीरे आ रहा है, और इनका भी बहुत कृपा है कि लोग धीरे धीरे सहज क्या है, कुंडली जागृति क्या है, लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। और ये हम सब के लिए तो बहुत ही बड़ी चमत्कार है कुंडलिनी जागृति ही, कि इस चीज़ को समाज में कोई विश्वास ही नहीं करता है कि मनुष्य की कुंडलिनी जागृति हो सकता है जी।
आपने जैसे बताया कि जो हमारी रिश्तेदार बिरादरी उसने सिरे से जिसको कहते हैं कि नकार दिया और इस विवाह को स्वीकार नहीं किया, पर आपको एक विश्वास था कि आप श्री माता जी के भक्त हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगी, तो उस सब समाज की सब चीज़ों की आपको भय नहीं हुआ और आप माँ का नाम लेते गए। और सुंदर करिश्मा ये रहा कि जो लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, आप लोगों को देखते देखते, आप लोगों का आचरण देखते देखते, वो खुद सहज योग में आने लग गए। जी जी, यही बड़ी बात। और जैसा आपने बताया था कि जब आप बैचलर ऑफ बिजनेस कर रहे थे जी, उस समय पे आपको परमात्मा से लगाव या विश्वास कम था, तो जब कुछ ऐसे पिताजी या कुछ कहते थे तो आपको वो कैसा लगता था? और जब श्री माता जी का ये बोला कि आपको श्री माता जी का देवी संरक्षण मिलेगा, वो चीज अंदर से भाग गई, तो उस बारे में भी बताइए कि आप शुरुआत में कैसे थे और श्री माता जी का देवी संरक्षण मिलेगा वो अंदर आई तो कैसा हुआ? शुरुआत में तो मैं, किसी ने बोलता था कि तुम आज ये काम कर लो, पूजा कर लो, जैसे घर में कुल देवता है लोग बोलते तो तुम नहा के और कुल देवता का पूजा कर लो, तब बोलता था ये सब इसमें कुछ तो मिलता नहीं है, तो मैं उस कार्य को करता नहीं था, मैं बोलता कि आज हमको नहाना नहीं है। लेकिन जब हमने उस चीज़ को हाथ में अनुभव कर लिया, अभी जमाना है साइंस का, साइंस कोई भी चीज़ का प्रूफ मांगता है, जब हमारे हाथ से निकलने लगे तो इससे बड़ा चीज़ तो सत्य हो ही नहीं सकता है जी, ये हमारे शरीर में है जी, और जब शरीर इस चीज़ को अनुभव कर रहा है, देख रहा है, तो हम मनुष्य इस चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे, तो फिर वो हम जो मन से करते हैं उसको हम कैसे स्वीकार करेंगे जी। तो यही बड़ी बड़ी चमत्कार है हम सब मनुष्य के लिए कि हमारे कुंडली जागृति हुआ और हमने हाथों में महसूस किया। आप हाथों में, आपने बहुत सुंदर बोला कि साइंस का जमाना है और बहुत कुछ बाहर ढकोसला होता है, पर साइंस के जमाने में प्रूफ मिला, आपको हाथ में कुंडलिनी जागरण से क्या एक प्रमाण मिला, क्या महसूस कर? अब जो हाथों में ठंडा निकलता था, और मेरे जी, मैं अपने जिंदगी में वो दिन नहीं भूलूंगा जो आप चमत्कार के रूप में कह रहे हैं, तो श्री माता जी के लिए कुछ भी संभव है। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरे पिताजी के साथ घटना हुआ था, क्या कि उनके जो उनकी उनसे बड़े जो हाकिम थे वो आने वाले थे, और वो आते हैं लोग तो थोड़ा वो लोग शराब वगैरह पीते हैं जी, तो उन्होंने कहे कि हम सामने ही बात किए कि आएंगे तो हमको रात में परेशान करेंगे, तो उन्होंने ऐसे हाथ घुमाए तो 10 मिनट में फोन आ रहा है कि आज हम नहीं आएंगे। तो वही हमको बताए कि कोई भी काम तुमको करवाना हो तो ऐसे हाथ में बंधन दो और हो जाएगा, श्री माता जी के शक्ति का। हाँ, शक्ति का। तो मैंने जिंदगी में वो पहला ट्राई किया, कब किया, जब बैचलर में पढ़ता था तो सर बोले कि कल मैं नहीं आऊंगा और आप लोग उस समय डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को कल जाना है पिकनिक पे जी, पिकनिक जाना है, आप लोग नहीं है, तो हम गए, तो वो पीरियड लीजर था, तो हमने सोचा कि वो जो मेरे पापा जी ने बोले कि हाथ घुमाना, तो मैंने भी क्लास में बैठे वैसे ऐसे हाथ घुमाने लगा कि सर एक पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, कृपा करके आप आइए, ऐसे जब हाथ घुमा ले तो हाथ से ठंडा निकलने लगा जी। तो वो सर 5 मिनट के अंदर में हाजिर हो गए वहाँ पे, हाजिर होकर क्या बोलते हैं कि मेरे इच्छा नहीं था कि मैं वहाँ पे तुम लोग पे आऊँ, इसलिए आया कि तुम लोग कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, इसलिए मैं यहाँ पे आया। उस दिन मुझे इतना खुशी हुआ, ऐसे लगा कि मैं दुनिया का पूरा शक्ति पा लिया, एक हाथ घुमाने के कारण से काम हो गया। तो वो दिन कभी कभी याद आता है, तो एक वो सुखद, एक सुखद क्षण है, और एक समझिए ना कि वो शक्ति शक्ति हमको प्राप्त हुआ कि कैसा है, एक हाथ घुमाने पर जो काम नहीं होने वाला है वो भी हो जाता है। तो इसको हम सब जो देख रहे हैं, जो इसको नहीं जानते उसको बताएंगे कि जब हमारी कुंडलनी जागरण होती है और
वो सहस्त्रा जो कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ब्रह्मरंध्र इसको पार कर जाती है। जब इसको पार करती है तो ईश्वर की शक्ति से मिल जाती है। प्रमाण क्या हो कि वो मिल गई है, वही शक्ति हमारे अंदर जब बहती है तो हाथों में ठंडा ठंडा हमें लगता है। और जब उस दिव्य प्रेम की शक्ति को, जब हमें कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को हम उस ऐसे हम उसको हम बंधन कहते हैं, जिसको हम इस दिव्य श्री माता जी के दिव्य प्रेम के बंधन में जो कि ठंडक के रूप में मिलता है हम छोड़ देते हैं। तो उसमें जो हमारे हित में है फिर वो हो जाता है। इसमें हम ये नहीं कहते कि बंधन दे दिए तो अभी ये हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि आपके दिव्य प्रेम के बंधन में छोड़ा, जो हमारे लिए ठीक है वो हो जाए। और हम तकरीबन देखते हैं कि बहुत सुंदर होता है। आपके साथ भी इतने 20 साल हैं, आप तमाम यही देखते आए होंगे अजय जी। जी जी, ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे काम हुए हैं जो नहीं होने वाला थे। अब एक मैं व्यापारी हूँ जी, जो मेरा सामान बाहर जाता है जी, तो एक यहाँ पे नेपाल का कस्टम है और इसके आगे भी एक कस्टम है जी, तो मेरा सामान वहाँ पे वो लोग सीज कर दिया था। तो मैंने गया तो उसने मुझसे बहुत ही सारा क्वेश्चन किया। तो वहाँ पे क्या है कि पैसे वो लेने के लिए सब करते हैं जी। तो मैंने वहाँ पे कहा कि श्री माता जी, बस मैंने इतना ही प्रार्थना किया श्री माता जी कि हम इन सब के ये मच्छर क्या बोलते हैं उसको, जी 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 जी, वो जो पानी में रहता है क्रोकोडाइल, इनके मुंह से हमको निकालिए जी। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए और बोले कि ठीक है आपका कोई हम आएंगे आपके दुकान पे, हमें ठीक है आइए। और वो कागज मिली कर हमको दे दिए कि ठीक है तुम अपना सामान लेके जा सकते हो। तो श्री माता जी का कृपा है कि वहाँ कि जब हम जब आए और दूसरे को बताएं कि ऐसे ऐसे हुआ, एक पैसा भी नहीं लगा, तो उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता है। बोलो वहाँ पे जाने के बाद में तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, हमको एक पैसा नहीं दिया, कोई विश्वास नहीं किया। तो श्री माता जी की कृपा है जी कि वो सब कराती है जी। वो दूसरे को कोई भी चीज़ उसको चेंज कर देती है, ये वाइब्रेशन ही चेंज करती है। ये जो उनकी दिव्य प्रेम की शक्ति है जी, ये श्री माता जी जो उनको हृदय से नमन करते हैं, उनको पहचानते हैं, उनके अवतरण को सदैव उनके साथ रहती है और हर पल वो भक्त माँ के सुरक्षा का वचन में रहता है। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बिजी भी हैं, इतना प्रोग्राम है आज जी चल रहा है, तो हम आपका और समय ना लेके आपको उस प्रोग्राम के लिए हम पारित करते हैं और फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। ठीक है, जय श्री माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उस शक्ति को, तो हर कार्य को अगर कोई आदमी आपको सता रहा है तो उसको भी एक तरह से बंधन दे सकते हैं। कोई कार्य करना हो उसको बंधन दे सकते हैं, सिर्फ बंधन। और बंधन में क्या करते हैं, आपकी ये जो शक्ति आपके अंदर से बह रही है उस शक्ति को ही आप लपेटते हैं और उस शक्ति को, उस जो भी आपको प्रश्न है, जो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है उसको आप बंधन दे देते, वो शक्ति उस पर कार्यान्वित होती। आपके पास ही शक्ति, आप इतने शक्तिशाली हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो न जाने कहाँ से आप